नमस्ते, मैं संजीलता नायक, आदिवासी एक्टिविस्ट। अभी आई हूँ मैं ईश्वरवाल सेवा आश्रम को। देखिए, ये है रायगढ़ जिले ले लूँगा मैं। और हम लोग इस प्रकार के, देखिए ये है स्कूल है, यहाँ पर सब अनाथ बच्चे रहते हैं। और इस प्रकार जगह को हम लोग सहयोगता करते हैं, हम लोग जो भी सहयोगता करते हैं। और वहाँ से जो हैं हमारे भाई जो बाबा हैं चलाते हैं, उनके साथ थोड़ा बात करेंगे, यहाँ के बारे में मैं पूछूंगी, तो आप भी देखेंगे। तो प्रणाम, इसको ऐसे पकड़ो तो बाबू, ऐसे देखो बाबा को, बस ना हो गया। हाँ बस, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो आश्रम कितना सालों में है, और आपका जो आप इतना हैंडीकैप्ड हैं जी, ये तो आपका साइकिल है ना, ना ये साइकिल कितना साल हो गया? ये इसको 10 वर्ष से ज़्यादा, 11 वर्ष हो गया। एक हो गया? हाँ, माने 2 सितंबर 2010 से इसको मैं। लेकिन एक नया मतलब होना चाहिए। नहीं होगा तो कहाँ से मिल रहा हूँ? नहीं हो रहा है ना। हाँ, तो ये वाला एक ठो आपको दिलाने के लिए हम पूरा प्रयास रखेंगे। नया वाला होता तो अच्छा रहता ना। हाँ तो नया वाला है। बाबू उधर, नया वाला हो तो अच्छा है दीदी, लेकिन बाकी जो अभी मिल रहा है ना, तो अक्टूबर वाला मिल रहा है। लेकिन इस टाइप का हो तो अपना जैसे बना ले तो। हाँ, इस टाइप का हो तो बन जाएगा, छोटा वाला, ये छोटा वाला है, ऐसा वाला है। हाँ जी। और आपको तो एक स्कूटी भी मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं तो मिल जाएगा, आप स्कूटी को आप बताते हैं, मेरे को तो मैं ये क्या बोलना चाहिए, 8-9 सरपंच उप सरपंच को मैं लिखित दिया हूँ और बोला हूँ कि मेरा भी कम से कम पेंशन बना दो कहकर, वो तो नहीं बना। अभी फिर एक सरपंच को दिया हूँ, नकुल सरपंच, तो अच्छा उसको भी दिया हूँ, तो आज से पता नहीं चला है। अच्छा, तो यहाँ से कितना आप जो बोलते थे कि हम बर्तन फर्तन सब धोते थे, कितना बच्चे थे? मैं पहले जो जब मेरे पास 35 बच्चे थे, तो मैं सवेरे उठ के पहले बर्तन साफ करता था, उसके बाद सब बच्चे को नहलाता था, उसके बाद नहला के मैं खाना बनाता था, खुद खाना बना के उनको खिला के फिर बर्तन धो के फिर मांगने जाता था। इतना शक्ति कहाँ से कैसे आया जागृत हुआ कि पैर नहीं ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं, इतना ये अदृश्य शक्ति ऐसे कैसे जागृत हुआ बाबा? मैं एक आश्रम में था। अच्छा, एक आश्रम में था, वहाँ भी बच्चे थे, तो मैं केवल वही काम कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा वहाँ अच्छा नहीं लगा। अच्छा, हाँ अच्छा नहीं लगा, तो वहाँ से मैं 2 सितंबर 2010 में मैं निकला। और निकलने के बाद मैं जो ये मोहन प्रधान है उससे भेंट मुलाकात किया, और उसके साथ मैं बोला मेरे को साथ देगा तो मैं अनाथ आश्रम चलाऊंगा, तो इसी के ये मेरे को साथ दिया है 2 सितंबर 2010 से। अच्छा, मोहन प्रधान, तो हमारे पास ठीक लेते लेते माने रहते रहते कम से कम 35-40 बच्चे, 45 बच्चे हो गए। अच्छा, हाँ, तो इनका अभी भरण पोषण केवल मांग मांग के मैं घटगांव तक जाता था इस ट्राईसाइकिल में। देखिए, मैं ये दिखाना चाहते हैं कि वो बाबा जो हैं, ये बच्चे लोग भी हैं। प्रणाम कर दो बाबा। हाँ, प्रणाम करो। हाँ हाँ, ये बच्चे लोग में अनाथ हैं, लेकिन इसी गाड़ी पे वो जो है ट्रिंगल साइकिल, 10-11 साल हो गया है ना। हाँ, 11 वर्ष। तो 11 वर्ष हो गया है उसको, इसी में जा जाकर वो चावल मांगकर, पैसा मांगकर वो अनाथ बच्चे लोगों को आप सहयोग खिलाते पिलाते थे। लेकिन देखिए उनका पैर भी कैसा है, देखिए पैर एकदम ये है, देखिए देखिए कैसा, देखिए ये वाला है, ये टूट गया दीदी। हाँ, ये टूट गया। देखिए ये वाला भी टूट गया, ये टूट गया, ये अंगूठा टूटा, ये टूटी, और उसके बाद ये भी टूट गया। हाँ, ना हाँ।
यहाँ पर, तो उतना दिन से मैं आप बैठता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ, चल नहीं पाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बस इसी के सहारा में मैं चलता हूँ। और अभी जब अब जो असहाय जो बच्चे लोग अनाथ बच्चे हों उसको कैसे आगे चले उसके बारे में पढ़ाई किए? हाँ, आप सोच विचार रखते हैं? आदर्श स्कूल में भी दे रहा था और शिशु मंदिर में पढ़ रहे थे बच्चे और प्राइमरी में भी, तो इनका जो फीस जो लगता था दीदी उसको मेरे दानदाता लोग जो सहयोग कर रहे थे उन्हीं लोग दे रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके जरिए से मैं ये सब काम कर रहा था और खाना बच्चे लोग को तीन टाइम दे रहा था। माने अभी भी चाहते हैं सहयोग हम लोगों से? हाँ बिल्कुल, हाँ तो हम चाहते हैं, आप सभी को निवेदन करते हैं। देखिए है, हम रायगढ़ लेलुंगा है और ईश्वरलाल ईश्वर प्रसाद आर्या के वो जो अनुष्ठान का नाम बोलिए, ईश्वर प्रसाद ईश्वर बाल सेवा आश्रम, ईश्वर बाल सेवा आश्रम है। और आप लोग भी जो देते रहते हैं ना, हम इस प्रकार आश्रम लोग को आकर सब देते रहते हैं, सो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे सहायता दें, बच्चे लोग कैसे बढ़िया से पढ़ाई करें, यहाँ से बढ़िया से पानी सुंदर बैठने के लिए यहाँ से हम देना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए एक ठो, सब प्रकार पुस्तक होना चाहिए। तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो सहयोग करेंगे तो हम यहाँ पे आकर पूरा देंगे। और ये जो है ना आपका स्ट्रिंगल साइकिल वो अलग टाइप का है, वो बाबा चाहते हैं कि इस प्रकार होगा तो उसको हमको बनाना पड़ेगा, सही है ना? हाँ, छोटे साइज, छोटे साइज बनाना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जो दे रहा है वो गवर्नमेंट से बड़ा वाला है, बड़ा वाला है, वो नहीं कर सकेंगे, रूम में भी नहीं घुसेंगे बोल रहे हैं, तो हमको बनाना पड़ेगा तो फंडिंग भी हमको देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं आप लोगों को सहायता मांगती हूँ बाबा के लिए कि वो हमसे किसी भी हिसाब से एक साइकिल दिया जाए। सो थैंक यू, नमस्ते।